गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 8 चैप्टर 16. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इन प्रीवियस वीडियोज़ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ लाइट, वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, मल्टीपल इमेज, ओके, कैलाइडोस्कोप, सनलाइट वाइट और कलर्ड, व्हाट इज इनसाइड आवर आई, आई स्ट्रक्चर हमने देखी थी. नाउ वी डिस्कस अबाउट केयर ऑफ आई, मींस किस टाइप से हमें हमारी आईज की केयर करनी चाहिए. ओके, इट इज नेसेसरी डैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू आई हॉस्पिटल, हैव अ रेगुलर चेकअप. If advised, your suitable spectacles, too little or too much light is bad for eyes. Insufficient light cause eye strain and headache. Too much light, like that the sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें आई का क्या करना चाहिए, प्रॉपर केयर करना चाहिए. और अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो आई से रिलेटेड, तो हमें आई हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट के पास उसे चेकअप करवाना चाहिए. इसी टाइप से स्टूडेंट जो है, बहुत ज़्यादा डार्क लाइट जो है, मीन्स स्टूडेंट जो टू मच लाइट में भी हमें वर्क नहीं करना चाहिए, और डिम लाइट जो कम लाइट है उसमें भी हमें वर्क नहीं करना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, उससे हमारी आईज जो है वो आई की रेटिना, अगर बहुत ज़्यादा सपोज लाइट है, ओके, सो आई का जो रेटिना है वो इंजर्ड हो सकता है. मींस जो लेज़र टॉर्च होती है, आपने देखी होगी स्टूडेंट्स, तो वो आईज का रेटिना जो है वो डैमेज कर सकता है. डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली. किसी भी लाइट जो हैवी लाइट सोर्स है उसे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. नेवर रब योर आईज. If particles of dust go inside your eyes, wash your eyes with clean water. Okay, student, eyes को rub नहीं करना चाहिए, और हो सकता है उसमें अगर कोई particle चले गए हों तो उसे क्या, clean water से washing करना चाहिए. If there is no improvement, go to the doctor. Always read at the normal distance of vision. Do not read by writing the बुक टू क्लोज टू आईज और कीपिंग टू फार. मीन्स स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दूर से भी नहीं देखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पास से भी बुक्स को नहीं देखना चाहिए. सो इसमें आपको ये बताया गया है कि आईज की आपको किस टाइप से केयर करनी चाहिए. यू लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट इन क्लास 6. इफ फूड इज डिफिशेंट इन सम कॉम्पोनेंट्स, आई मे बी सफर. लेक ऑफ विटामिन ए इज फूड स्टफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स. मोस्ट कॉमन अमंग देम नाइट ब्लाइंडनेस. ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कि हमें जो है वो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, और जिससे हमारी टोटल हेल्थ जो है वो बेटर फॉर्म में रहे. सो स्टूडेंट, आइज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको विटामिन ए रिच फूड मटेरियल लेना चाहिए. आपको पता है हरी सब्जी, आपको पता है बेटा हरी सब्जियाँ जो खाने के लिए ज़्यादा कहते हैं, क्यों कहते हैं, इससे ये आइज के लिए बहुत यूजफुल होती है. ओके, और विटामिन ए रिच फूड मटेरियल्स को आपको लेना चाहिए. वन शुड देयर फोर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए रॉ कैरेट्स, ओके, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पेंच एंड कॉड लीवर ऑयल रिच विटामिन ए. एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, फ्रूट्स, पपाया, मैंगो आर रिच विटामिन ए. सो स्टूडेंट, विटामिन ए रिच जो वेजिटेबल्स हैं, आपको पता है फ्रूट है, मिल्क है, कर्ड है, चीज़ है, बटर है, ये विटामिन ए रिच प्रोडक्ट हैं. तो इनको यूज़ जितना आप करेंगे उतना आइस के लिए यूजफुल होगा. आपको पता है बेटा, ओके, विजुअली Impaired person can read or write. Okay, so student, आपने देखा होगा कुछ जो लोग होते हैं उनकी आई डिफेक्टेड होती है, वो पढ़ नहीं पाते. सो उनके लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न है, एक सिस्टम है, जो आपको पता है ब्रेल थ्योरी, आपने नाम सुना है ब्रेल
पद है ना, राइट, ओके। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, सम पर्सन मे लॉस दिस आई साइट ओके बिकॉज ऑफ डिजीज ऑफ एनी इंजरी, सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग और लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली। ऐसे पर्सन जो देख नहीं पाते हैं और कम देख पाते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, वो उसको ऑब्जर्व महसूस करते हैं, राइट, उसको टचिंग से, टच से या किसी से उसको हेयर करते हैं, वॉइस को उससे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन बी एम्बल देम टू डेवलप दीज कैपेबिलिटीज फर्दर, ओके। सो नॉन ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ओके। नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूडिंग विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स यूजिंग सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स यूजिंग सेंस ऑफ हियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एड्स, विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटीरियल टू प्रोवाइड प्रॉपर डिस्टेंस, टेक्चुअल एड्स इंक्लूडिंग ब्रेल राइटिंग स्टेल स्टाइल, ओके ओके। सो स्टूडेंट ये क्या है कि कुछ नॉन ऑप्टिक और ऑप्टिक एड्स हैं जिससे आप विजुअली इम्पेयर्ड हो सकते हैं, मीन्स आप जो हैं बेटा, ओके। सो स्टूडेंट्स आपके लिए नॉन ऑप्टिकली एंड ऑप्टिकली एड्स जो होते हैं वो यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, टॉकिंग नोट्स हैं, रीडिंग राइटिंग है, ऑडिटरी एड्स हैं, ओके, टेप रिकॉर्डर्स हैं, इनसे आप किसी भी वॉइस को आप सुन सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग को सुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्स सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर कंप्यूटर्स फॉर अवेलेबल परफॉर्मिंग मैनी कॉम्पिटिशनल टास्क, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ओके। सो ये यूज़फुल हैं, यूज़फुल एड्स हैं। ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड बाईफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, टिंट लेंस, मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोप एड्स, ओके। सो व्हील द लेंस कॉम्बिनेशंस आर यूज फॉर रेक्टिफाइंग विजुअली लिमिटेशंस, टेलीस्कोप एड्स आर अवेलेबल फॉर चॉकबोर्ड्स एंड क्लास डेमोस्ट्रेशन। सो स्टूडेंट्स कई जो हैं वो प्रॉपरली विजन नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, उनके लिए कई सारे नॉन ऑप्टिक और ऑप्टिकल एड्स प्रेजेंट हैं, राइट। टेप रिकॉर्डर से आप वो स्टडी कर सकते हैं, उसको हियर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम, अब आपने देखा होगा ब्रेल सिस्टम क्या होता है, जिनमें ऐसे पर्सन जो बिल्कुल देख नहीं पाते उनके लिए इजीली रीडर रीडिंग करने के लिए पॉसिबल है, ओके। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल, ओके। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडॉप्टेड इन 1932, देयर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज मैथ्स साइंटिफिक नोटेशन, ओके। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग ब्रेल सिस्टम, तो ब्रेल सिस्टम से बेटा ये इजीली रीड आउट हो सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रेल सिस्टम, जस्ट अ मिनट, ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लेटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड इज और अ ग्रामेटिकली साइन डॉट आर अरेंज्ड इन सेल्स, टू वर्टिकल रोज, थ्री डॉट्स। सो इससे बेटा इजीली ऐसे लोग जो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं वो इसको रीड आउट कर सकते हैं, थिंग से रीड आउट कर सकते हैं ब्रेल सिस्टम से। दिस पैटर्न व्हेन एम्बॉस्ड ऑन ब्रेल शीट हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स टचिंग, ओके, टू मेक द इजियर टच, द डॉट्स आर रिजाइंड स्लाइटली, ओके। तो इससे वो देख सकते हैं बेटा। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विद द लेटर, द स्पेशल कैरेक्टर एंड लेटर कॉम्बिनेशन मेथड डिपेंड अपॉन रिकॉग्नाइजिंग द टचिंग, ईच कैरेक्टर हैज़ बी मेमोराइज्ड, ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हार्ट और बाय मशीन, ओके, टाइपराइटर लाइक डिवाइस एंड
प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। ओके, सो ये ब्रेल सिस्टम उनके लिए जो पूरी तरह नहीं देख पाते हैं तो वो टच के थ्रू इन वर्ड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो उनकी रीडिंग स्किल्स, उनकी पढ़ने की जो स्किल्स है वो अच्छी डेवलप होगी, राइट? ऐसे पर्सन जो नहीं देख पा रहे। ओके, नाउ वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेस। ऑल सरफेस से क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्टेड होती है। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट और स्मूथ पॉलिश और रेगुलर सरफेस। आपको पता है हमने इस चैप्टर में देखा था कि अगर क्या होगा बेटा, रेगुलर जो है रेगुलर सरफेस से ही कैसा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ओके, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट और स्मूथ पॉलिश्ड और रेगुलर सरफेस से टच होगी या रिफ्लेक्टेड होगी। डिस्फ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस। सो रफ सरफेस से कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रफ सरफेस से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो आपको पता है बेटा कि जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, इन तीनों का जो पॉइंट होता है सेम प्लेन पे होता है। तो ये टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। जब आप किसी मिरर में देखते हैं तो बेटा लेटरल इन्वर्जन होता है, राइट? राइट की जो ऑब्जेक्ट है या थिंग्स है वो लेफ्ट पार्ट की ओर दिखता है, राइट? ओके, ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन। सो टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेज। ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन कैलाइडोस्कोप बिकॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैलाइडोस्कोप में आपको पता है ब्यूटीफुल जो है पैटर्न्स बनते हैं क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। आपको पता है जो विबग्योर का कलर आपको याद है बेटा, सनलाइट में जो होता है एक वाइट लाइट जो होती है 7 कलर से मेड अप होती है, राइट? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिपर्शन। ओके, पार्ट्स ऑफ द आईज आर कोरोना, आईरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो ये आईज के पार्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, पार्ट्स ऑफ द आईज आर कोर्निया, आईरिस, प्यूपिल एंड लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। अ नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, ए नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो नॉर्मल आई होती है वो पास की ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, राइट? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम से विजुअली जो इम्पेयर्ड पर्सन है वो देख सकते हैं। ओके, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन डेवलप द अदर सेंस मोर शार्पली टू इम्प्रूव दीज इंट्रैक्शन विद द एनवायरमेंट। आपको पता है वो ऐसे पर्सन जो देख नहीं पाते हैं तो वो सेंस के थ्रू, है ना, फिंगर्स के टचिंग से और वॉइस को हेयर करके इंट्रैक्शन करते हैं, राइट? ओके, दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर। ओके स्टूडेंट।